मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। खट्टर ने लोकसभा और विधानसभा के लिए होने वाले निर्वाचन के प्रत्याशियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू करने की मांग की। सीएम खट्टर के फैसले को प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी सही करार दिया। ग्रोवर ने सीएम के इस कदम की तारीफ की। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्युष भिवानी जिले के गांवपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इनेलो द्वारा टोल पर दिए गए बयान पर कहा कि कानूनी दायरे में रहकर ही काम करे इनेलो पार्टी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि लोगों का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो, इसके लिए वो चौकीदार के तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में वित्त प्रबंधन की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ। शनिवार की रात प्रदुम केस में पीड़ित परिवार के वकील सुशील केजरीवाल के साथ हुई हाथापाई पर वकील का बयान। प्रदुम केस से हटने के लिए उन पर हुआ था हमला। यमुनानगर के खिजराबाद इलाके में युवक की मौत के मामले में गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प। गांव वालों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की। साइबर सिटी गुरुग्राम में साइबर अपराध के मामलों में हुई बढ़ोतरी। 1 जनवरी से लेकर 31 नवंबर तक के आंकड़े। ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के 1682 मामले सामने आए। ईमेल हैकिंग के 100 और फेसबुक संबंधित 234 मामले सामने आए हैं। वहीं फेक वेबसाइट के 8 मामले सामने आए हैं। सेक्सुअल हैरासमेंट के 67 और फ्रॉड जॉब के 40 मामले दर्ज किए गए। साइबर सिटी गुरुग्राम की क्राइम यूनिट ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 ऑटो और 1 बोलेरो कार बरामद की है। पकड़े गए वाहन चोर की पहचान नासिम उर्फ नस्सी के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दर्जनों वारदातों में शामिल होने की बात को स्वीकारा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर गोहाना के गांव कथुरा के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और पूरे देश में वन कपल टू चिल्ड्रन कानून को लागू करने की मांग की। रोहतक में मिनी मैराथन का किया गया आयोजन। सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी, गुलशन ग्रोवर और यशपाल शर्मा समेत कई फिल्मी सितारों ने की शिरकत। ओलंपिक मेडल विजेता योगेश्वर दत्त भी हुए शामिल।